आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम सम निकाल सकते हैं रो एंड कॉलम का, हर एक रो एंड कॉलम का मैट्रिक्स में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस हमारी जो रो का सम कितना है 6 एंड इस कॉलम का 12, सो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे वीएस कोड में। सो इसका ना मैंने नाम रखा सम रो एंड रो कॉलम डॉट जावा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे एरे से हम मैट्रिक्स बना लेंगे। तो इसका मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स का सम और एरे का। तो अब इसमें यहाँ पर हम इसको रो डिक्लेयर कर लेते हैं, इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 2 3, एंड सेकंड रो हो जाएगी 4 5 एंड 6 हमने ले ली। थर्ड लो रो हम ले लेते हैं इसमें 7 8 एंड 9। सो यहाँ पे हमने बना लिया एक एरे। एंड अब हमें चाहिए होगा int रो एंड कॉलम वेरिएबल। सो रो ले लेते हैं हम एंड एक कॉल वेरिएबल ले लेते हैं। रो की वैल्यू हो जाएगी हमारी सम डॉट, हम इसकी लेंथ दे देते हैं, एंड जो कॉलम है हमारा कॉलम की वैल्यू दे देंगे हम सम का 0th एलिमेंट की जो वैल्यू होगी डॉट लेंथ। दैट मीन्स इन दोनों की रो एंड कॉलम की वैल्यू है 3 3 की, ये 3 3 के हैं, सो 3 3 इनकी वैल्यू हो गई। नाउ यहाँ पर अब हमें वेरिएबल चाहिए होंगे, हम इसमें ले लेते हैं एक वेरिएबल रो सम के नाम से, जिसकी वैल्यू मैंने 0 दे दी। एंड नेक्स्ट वेरिएबल ले लेते हैं हम एक कॉल सम के नाम से, जिसकी वैल्यू 0 दे दी। सो रो सम एंड कॉल सम वैल्यूज कंटेन करेंगे हमारे, टोटल सम कंटेन करेंगे हर एक रो एंड कॉलम का, लाइक जैसे हमने इसमें दिया हुआ है। सो इस रो का जो सम है 6 है, इस कॉलम का 12 है, सो ये कंटेन करेंगे हमारे रो एंड कॉलम। नाउ अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हमारे फॉर लूप को। सो पहला लूप हम चलाएंगे हमारी रोज के लिए, एंड नेक्स्ट हम लूप लगाएंगे इसमें हमारे कॉलम के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लूप लगाते हैं। नाउ अब इसमें हम यूज करेंगे, यहाँ पे है रो सम, हमने जो वैल्यू ली थी उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम डालेंगे रो सम में पहले से 0 है, उसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पर जो हमने एरे बनाया है सम आई एंड जे पोजीशन के जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम ऐड करेंगे, एंड वो आ जाएगा डिस्प्ले होके सम रो सम वेरिएबल के अंदर। एंड नाउ अब उसे हम सिंपल प्रिंट कर लेंगे। सम ऑफ, सो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे हम सम ऑफ प्लस हमारी रो हो जाएगी, तो यहाँ पे हम रो प्लस कर लेते हैं आई प्लस 1। एंड यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करते हैं इज, एंड यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे रो सम को। सो हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बना लिया, ये था हमारा सिर्फ रो के लिए। रो सम के लिए नाउ अब जो नेक्स्ट हम बनाएंगे लूप वो होगा हमारा कॉलम के लिए, कॉलम सम के लिए। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 0 तक, एंड आई चलेगा हमारे रो तक। नाउ सेकेंड लूप इसमें चलाएंगे हम हमारे कॉलम्स के लिए, एंड हम नाउ सेम इसमें ही, अब इसमें जो हमने बनाया था सेकेंड वेरिएबल कॉल सम के लिए, सो कॉल सम इसमें हम डाल देंगे, एंड इसमें डालेंगे हम जो हमारा एरे था, एरे का आई एंड जे पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको इसमें ऐड किया जाएगा। एंड नाउ सिंपल हम ऐसे ही ये जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, तो इसको यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे कॉल सम। सो अब इसे करते कंपाइल एंड रन। सो नाउ यहाँ पर आ गया हमारा सम ऑफ पहली रो का सम
सिक्स है, दूसरी रो का सम हमारा 21 है। तो पहली रो का सम 6 है, कैसे देख सकते हैं हम इसको? कर लेते हैं एज अ, हमने एज अ एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कर लिया। तो पहली जो रो है सम ऑफ 1, तो हमने यहाँ पर वो नहीं लिखा, सम ऑफ यहाँ पर डाल देते हैं रो, एंड यहाँ पर डाल देते हैं कॉलम। सो अब इसे फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं, हमारे रीडिंग के लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सो नाउ ये बोल रहा है सम ऑफ 1 रो इज 6, मतलब इसका जो सम है रो का 6 है, 3 + 2 5 एंड 6 है। सम ऑफ सेकेंड रो का 21 है, 9, एंड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है रो सम था हमारा, रो सम को हमने यहाँ पर ज़ीरो नहीं किया। सो अब यहाँ पर कर दिया ज़ीरो, एक बार प्रिंट करने के बाद वो दोबारा उसी में ऐड कर रहा है। सो और यहाँ पर हमने कॉल सम को भी ज़ीरो कर दिया। नाउ जब दोबारा ये यहाँ पे प्रिंट करने के बाद दोबारा आ रहा था, तो वो प्रीवियस वाली वैल्यू जो हमारी रो सम में थी वही ले ले रहा था, उसको ज़ीरो नहीं किया था हमने। सो अब यहाँ पर इसे कर दिया है डीबग। सो अब करते हैं इसे कंपाइल एंड रन। नाउ अब हमारे आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। सो पहली रो का सम हमारा 6 था, सेकंड रो का 15 बता रहा है ये, तो इसमें है 4 + 5 9 + 6 15, एंड थर्ड रो का सम है हमारा 24, एंड यहाँ पे 24 बिल्कुल सही है। पहली जो कॉलम है उसका है 6, जो पहला कॉलम होगा उसका है 6। सो बेसिकली हमारा ये आउटपुट काफ़ी सही आ रहा है। अब मुझे मैच करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।